सीएम आवास के पास गूंज उठी गोलियां, फायरिंग से जब थर्रा उठी राजधानी। ये पुलिस की चहलकदमी, ये खौफ से सना सन्नाटा। तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में शुमार हजरतगंज की, जिसे लखनऊ का दिल कहा जाता है। वहाँ उस वक्त लोगों के दिलों की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं, जब देर शाम सरेआम चल गईं गोलियां। न रही इलाके में खुलेआम भरे बाजार, मोबाइल दुकानदार पर एक शख्स गोलियां दागता है और फरार हो जाता है। वारदात का वक्त भी एकदम चहल पहल वाला, जब हजरतगंज में जमते हैं रंग, जब जमा होती है यहाँ पर शाम। उस वक्त हुई इस वारदात से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रमोद गुप्ता रोज की तरह करीब 9:30 बजे दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहाँ एक शख्स अपने साथी के साथ आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। इसमें प्रमोद गुप्ता को 2 गोलियां लगती हैं, एक उनके पीठ पर और दूसरी सिर के पिछले हिस्से पर। वहीं फायरिंग की आवाज सुन वहां मानो भगदड़ सी मच जाती है। पड़ोस के दुकान वाले फौरन प्रमोद को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। पुलिस भी खबर पर मौकाए वारदात पर पहुंचती है और पूरे इलाके को सील कर तफ्तीश शुरू करती है, और कुछ ही घंटे में पुलिस आरोपी का खुलासा भी कर देती है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद गुप्ता पर गोली चलाने वाला शख्स उसका ही पड़ोसी है, और इस मामले के तार जुड़ते हैं प्रेम प्रसंग के मामले से। हालांकि पुलिस इस केस के बारे में और ज्यादा तफसीली जानकारी देने से बचती है। हजरतगंज थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है, और जो घटना के पीछे का जो कारण है वो प्रेम प्रसंग का होना पाया जा रहा है, और वहीं आसपास का रहने वाला है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अब पुलिस शिनाख्तगी के बाद आरोपी को पकड़ने की कवायद में लग गई है, जिसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। वहीं सरेआम इतने पॉश इलाके में हुई इस वारदात पर सवाल भी उठने लगे हैं। सपा सुप्रीमो और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव पूछते हैं, फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार बताए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है, जो गोलीबारी की घटना के रूप में मुख्यमंत्री की आवास के पास तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह वारदात हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी का आवास है, और वहीं से थोड़ी दूर पर ही मुख्यमंत्री का भी सरकारी आवास है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर कैसे बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं, और जब इतने पॉश इलाके में यूं सरेआम इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो बाकी इलाकों का क्या? इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।